बारिश ने लोगों की मुश्किलें कुछ यहां पर बढ़ाकर रख दी है। तो आफत की बारिश भोपाल वासियों के लिए कहीं ना कहीं साबित हो रही है, क्योंकि बार बार रुक रुक कर बारिश लगातार हो रही है। बारिश से निचली बस्तियों में जलभराव की स्थिति निर्मित हो गई है। आजाद नगर इंद्रनगर इलाके में जलभराव हो गया है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की पहले ही चेतावनी दे रखी थी, लेकिन जिस प्रकार से रात भर रुक रुक कर वर्षा होती रही, कहीं ना कहीं दावे की पोल खुलती नजर आ रही है, क्योंकि कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और यहां पर जलभराव की स्थिति निर्मित हो गई है। तो कुल मिलाकर लोगों की समस्याएं काफी ज्यादा बढ़ गई है इस बारिश की वजह से। चलिए इसी मामले पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए गौरव गुप्ता सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गौरव, जानना चाहेंगे क्या कुछ हालात है, जिस प्रकार से बारिश यहां पर हुई है, भोपाल वासियों के लिए आफत की बारिश साबित हो रही है। देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा आपको कि देर रात तेज बारिश राजधानी भोपाल के तमाम इलाकों में हुई है और काफी ज्यादा ये बारिश हुई है, और इसी की वजह से भोपाल के कई ऐसे निचले इलाके हैं जहां पर जलभराव की समस्या देखने को मिली है। इंद्रनगर हो गया, ऐसे ही समेत कई सारे जो निचले इलाके हैं और जो स्लम एरिया है वहां पे जलभराव की स्थिति भारी तादाद में देखने को मिल रही है, और यहाँ पे इसकी वजह से रात भर लोग परेशान भी होते दिखे। कुछ वीडियोज भी इसमें सामने आए हैं जिसमें लोगों के घरों में पानी भर गया और लोग रात घर से पानी निकालते नजर आए, लेकिन बारिश आज तक रुकी नहीं, जिसकी वजह से लोगों की समस्या रात भर बढ़ती रही। सुबह जाकर बारिश जो है वो रुकी है और अब जो हालात है उनको थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। वही बताना चाहूंगा कि जो भारी बारिश है उसकी चेतावनी मौसम विभाग ने पहले ही देकर रखी थी, और अभी आज और आने वाले दिनों में अति से भारी बारिश की चेतावनी भी मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। यानी कहा जा सकता है कि आने वाले समय में हालात और भी ज्यादा नाजुक हो सकते हैं, क्योंकि अभी और ज्यादा बारिश राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में होने वाली है। ऐसे में निगम प्रशासन किस तरीके से इन हालातों को संभालता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि तमाम जो दावे नगर निगम की तरफ से किए गए थे बारिश को लेकर और जल भराव को लेकर, वो सब इन तस्वीरों में फेल होते नजर आ रहे हैं। अभी आने वाले समय में हालात और बेकाबू हो सकते हैं, नगर निगम के लिए आने वाले समय में और ज्यादा चुनौतियां होंगी और लोगों को भी भारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। चलिए, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया गौरव आपका। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में स्थिति और भी खराब हो सकती है, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से और भी ज्यादा और भारी बारिश आने वाले दिनों में चेतावनी इसे लेकर जारी की गई है। कुल मिलाकर लोगों की मुसीबतें बढ़ने वाली है।